Rekha, good morning. You have come for this interview today. Tell about yourself. सर मेरा नाम दीक्षा बस्ती है. हम उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. मेरी स्कूलिंग फर्रुखाबाद से ही फतेहगढ़ में एस बी रोजी पब्लिक स्कूल से हुआ, जिसमें हमने ट्वेल्थ में कॉमर्स लिया था और फिर उसके बाद अकाउंट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मेरे को था तो बी कॉम हमने किया सी सी बी गर्ल्स कॉलेज गाज़ियाबाद से. ओके, यू टेल अबाउट द यूपी. What is the total area of UP? Sir, 2.43 lakh square kilometers around UP ka area hai. Now, tell me why you want to join IS, civil service? सर हमें बचपन से सबकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था, तो हमें लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी हेल्प सब तक नहीं पहुंचा सकते, तो अगर हम सिस्टम के साथ मिलकर के करेंगे तो हम अपनी बात बहुत लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक अपनी हेल्प भी पहुंचा पाएंगे. Why do you feel that individually you cannot do but system के थ्रू से कर सकते हैं? Why? सर हमें लगता है कि किसी की भी हेल्प करने के लिए हमारे पास पावर भी होनी ज़रूरी होती है. आज हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ भी रोड रेज भी हो रहा है, हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि जो जिनको हम पहुंचा रहे हैं उनके साथ साथ हमें भी पहुंचा सकते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते उस लेवल पे. अगर मेरे पास पावर है, हम सिस्टम के साथ मिलकर के वो काम करेंगे तो हम अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ऑलराइट, यू टेल मी व्हाट इज़ योर हॉबी. सर हमें बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. हमें लगता है कि बच्चे हमारा फ्यूचर है और प्रॉपर्टी है नेशन की, तो अगर हम उन्हें अभी से अच्छी एक केयर दे सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर अच्छा दे पाएंगे, तो सर जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम उनको दूर रख पाएंगे और एक अच्छी परवरिश होने से वो कल के लिए हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं कि हमारे पॉजिटिविटी जो नेशन के लिए कुछ भी पॉजिटिव करने के लिए. तो बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, how you can help the children? Suppose there is a basti or underprivileged areas, so how can you work there? Just give some kind of feeling that you are or you will be able to do that. सर आईएएस ऑफिसर होकर के हमें लगता है समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वीकेंड्स पे हम अपना वक्त निकाल सकते हैं और इन लोगों को दे सकते हैं. सर ये बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि बस्ती के चिल्ड्रन को पढ़ाते हैं जब भी उनको टाइम मिल पाता है. और सर मेरी भी ये हैबिट में है कि हम ऑर्फनेज जाते हैं जब भी ये वीकेंड्स होते हैं, डिसेबल्ड बच्चों के स्कूल में जाते हैं, तो सर उनको बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है मेरे जाने से. और सर कभी भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कितना भी उनके लिए टॉयज लेके गए कुछ भी, तो उनका सिर्फ इतना कहना होता है दीदी आप कुछ मत लाओ लेकिन आप आना, अगली बार फिर से आना और जल्दी आना. तो सर इसलिए हमें लगता है ऐसे हम उनको टाइम दे सकते हैं. Can you mention any act regarding children's right or children's development? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिल्ड्रन लेबर एक्ट है, प्रोहिबिशन एक्ट है, तो सर बिलो 14 ईयर्स हम लोग उन्हें हैजार्डस वर्क में नहीं डाल सकते बच्चों को. और सर बच्चों की डाइट को लेकर के मिड डे मील प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं स्कूल्स में, तो सर उससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, अब बच्चे स्कूल जाना प्रेफर कर रहे हैं. थैंक यू, वेरी नाइस दैट यू हैव स्पोकन. नाइस, थैंक्स. Thank you very much.